आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, परमाणु के अंदर, वो हम लोगों को पता चल चुका है मुख्यतः तीन रूप से है, मेनली तीन है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो जैसे इसमें से आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। ये हम लोग अभी तक प्रीवियस लेक्चर में, दो लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उसका एक समरी चार्ट बना लेते हैं, जो आपके मेनली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, ठीक है। अब इसको किसने खोजा था? 1897 ईस्वी में जे.जे. थॉमसन ने खोजा था, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट का नाम पूछा जाए तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कैथोड किरण परीक्षण। इसका जो चार्ज है वो मूलिकन ऑयल मेथड के द्वारा निकाला गया था, और वो चार्ज है आपका -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आपका एब्सोल्यूट है, मतलब ये इसका रियल है, और इसको रिलेटिव रूप में हम लोग लेके लेके चलते हैं, इसको मान के चलते हैं कि इसका जो चार्ज है वो है -1, ठीक है। इसलिए इसका सिंबल भी हो जाता है E₀-1, ठीक है। ऊपर मास आ गया, नीचे उसका चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान होता है, आपका मास है इसका 9.1 × 10⁻³¹, ये हो गया केजी में। अगर हम इसको ग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि जो चार्ज है वो है -1, और जो इसका अप्रोक्स मास हम लोग मान के चलते हैं वो नेग्लिजेबल मान के चलते हैं, क्योंकि मास काफी छोटा हो जाता है, वो है 0, ठीक है। कितना हो गया चार्ज? चार्ज हो गया इसका -1 और मास हो गया 0, ठीक है। उसके बाद है जो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहाँ रहता है? ये आपका न्यूक्लियस में है, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन का खोज हुआ था, वो प्रोटॉन का खोज हुआ 1865 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले ही प्रोटॉन का खोज हो गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, जिसका जो चार्ज लिया गया वो चार्ज है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसमें आपको एक बात ध्यान दो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का जो मास चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का चार्ज सेम है, सिर्फ उसके सिंबल में अंतर है, थोड़ी प्रॉपर्टीज में अंतर। और इसको किस मेथड से, जो मेथड या कह लो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, यह है एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और इसमें जो रिलेटिव चार्ज है वो हम लोग +1 मानते हैं, जो इसका मास है वो है -1.6 × 10⁻²⁷ केजी। ये भी बहुत छोटा है, लेकिन इसके जब हम लोग इसका अप्रोक्स मास या रिलेटिव मास का हम लोग जिक्र करते हैं, तो इसका रिलेटिव मास लगभग हाइड्रोजन के बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अगर देखें तो प्रोटोन में मुख्यतः एच प्लस चार्ज होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस वैक्यूम ट्यूब में ले रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन प्लस चार्ज, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए हम लोग इसका अप्रोक्स मास 1 लेके चलते हैं। इसका आंसर आपको इसी व्यू में देना पड़ेगा कि इसका 1 क्यों लेते हैं, इसलिए नहीं कि इसका 1 है इसलिए लेते हैं, नहीं, इसका हम लोग चार्ज जो है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के अंदर देख लो क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस के अंदर H1+, मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज बना कैसे, कि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया, लॉस किया गया, इसमें से निकाल दिया गया, तो एक प्लस चार्ज आ गया। अब अगर हम यहां देखते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना? 1, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, और मास 1। अब अगर हम एच प्लस में देखते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इसका 1 है, ओके है, प्रोटोन का नंबर भी 1 ले लिए, ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 हो गया, ठीक है, 1-1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, और जो मास है वो 1 है। तो देखो यहाँ मास भी 1 है, और इसमें H प्लस में सिर्फ तुम्हारा क्या है, प्रोटॉन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन का जो मास है वो कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन का जो खोज हुआ है वो आपका रेडियो एक्टिविटी के द्वारा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है।
अब ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या है इसको हम लोग एक दिन अलग से क्लास में देख लेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में जब बम्बार्डिंग होता है तो बम्बार्डिंग के कारण से न्यूट्रॉन का उत्पत्ति होता है, मतलब कि किसी भारी न्यूक्लियस पर जब स्ट्राइक किया जाता है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या है वहां से कुछ रे निकलती है और साथ में कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, उसी पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकला था जब जेम्स चैडविक ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। अब इस जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 ईस्वी में। तो इस कारण से क्या हुआ कि इसका जो चार्ज है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एलिमेंट है, सॉरी एक्सटर्नल पार्टिकल है, रेडियो एक्टिविटी के बाद निकल रहा है, इसलिए जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज मेजर किया गया तो वो जीरो था, ठीक है, रिलेटिव चार्ज भी जीरो ही होगा। जो इसका मास था, लेकिन इसके जो मास का वैल्यू है वो आपका प्रोटॉन के मास के वैल्यू के बराबर है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट मास भी सॉरी रिलेटिव मास मतलब इसका लगभग द्रव्यमान हम लोग कितना मान के चलते हैं प्रोटॉन के बराबर, ये भी आपका कितना हो गया वन हो गया। ये एग्जैक्टली वन नहीं है, इस एग्जैक्टली वन का वैल्यू है कुछ इसका भी है, जैसे 1.00032 इसका 1.0028 थोड़ा सा चेंज रहता है दोनों में, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज करने के लिए अपने कॉपी किताब में जो प्रैक्टिकल वे में इसका मास हम लोग वन ही लेके चलते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा ये समरी हो गया कि अब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल पार्टिकल्स में तुम्हारा ये क्लियर हो जाता है। और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर होते हैं, जैसे या कह सकते हो कि न्यूक्लियस या एटम के अंदर वो लोग विद्यमान, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, मेसोन हो गया, पाई मेसोन हो गया, ये सब भी छोटे छोटे कण हैं जिससे मिलकर अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को मैं फिर कभी किसी क्लास में बता दूंगा कि इससे क्या क्या और क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 11th 12th और रेलवे वगैरह के लिए जनरल कंपटीशन जेई नीट के बेसिक क्वेश्चन में इससे बाहर लगभग नहीं आता, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम लोग कुछ ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि समरी ऑफ पार्टिकल्स, इन सब पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल का पार्टिकल्स भी कहते हैं, या फिर इनको एक ऐसा सोर्स ऑफ पार्टिकल है जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है, ब्रह्मांड में अवस्थित, लेकिन ये इतने छोटे कण हैं, विद्यमान होते हैं कि इनका स्टडी करना एक तरह से अपने आप में चैलेंज है, और ये सब एटम के मुख्य पार्टिकल्स में शामिल नहीं है। तो लेकिन वैसे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं इनको देख लेते हैं कि जो और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स को छोड़कर आते हैं, थोड़ा सा ये हाई लेवल हो जाता है लेकिन समझ लीजिए, आगे इससे जनरल कंपटीशन सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे पार्टिकल्स है न्यूट्रोनो का जो रिलेटिव चार्ज है वो जीरो है, मतलब इसका जो अप्रोक्सीमेट सिंबल होता है वो लगभग न्यूट्रॉन के जैसा है, मतलब चार्ज इसका क्या भी है, इसका भी चार्ज क्या है जीरो है। इसका मास है 100 × 1.1837, मतलब और भी छोटा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। इसका जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विल्सन, जो कि 1927 में एक एक्सपेरिमेंट है क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा आपके लेवल का नहीं है, जब इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर जब ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो वहां पे इसको पढ़ने के लिए क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट क्या है उसके अनुसार से उन्होंने न्यूट्रोनों का खोज किया था। उसके बाद एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स लगभग अप्रोक्सीमेट मिलता जुलता पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा है, इसलिए एक बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, उसका सिंबल है ई प्लस, जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है ई माइनस। एंटी पार्टिकल मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे माइनस है इसका क्या हो जाएगा प्लस। इसका भी मास आपका इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, दोनों रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों, चार्ज इसका प्लस वन होता है, जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका खोज क्या था विल्सन ने 1927 और एक्सपेरिमेंट का नाम था क्लाउड चैम्बर, ठीक। आगे आते हैं, आगे है पॉजिटिव मेसोन, ठीक है। पॉजिटिव मेसोन एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी बेस्ड पार्टिकल होता है जिसका रिलेटिव मास है 200 से 300 तक मल्टीप्लाई 1/1837, मतलब बहुत ज्यादा छोटा, चार्ज होता है प्लस वन। इसका कोर्स किया था कार्ल एंडरसन ने 1939 में और इसके एक्सपेरिमेंट का नाम था कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। दूसरा आता है निगेटिव मेसोन, निगेटिव मेसोन का चार्ज होता है μ-, ठीक है। इसका मास आपका इसके मास के दोनों के बराबर होता है, सिर्फ चार्ज का अंतर है, यहाँ है प्लस वन, इसका होता है माइनस वन। इसको एंडरसन ने खोजा था 1947 में,
और इसके एक्सपेरिमेंट का भी नाम क्या है, कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या चार्ज होता है, उसको किसने खोजा, उनका एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था, उसका मास क्या है, चार्ज क्या है, और इससे बहुत ज्यादा रिलेटिव क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें कि एटॉमिक मॉडल जो जितने भी टाइप के हैं, डाल्टन हो गया, जैसे थॉमसन के हैं, रदरफोर्ड है, बोर मॉडल, ये चार मॉडल हैं। चारों मॉडल का हम लोग एक साथ समरी कर लेंगे, सारा मॉडल जो है आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।